बच्चे लोग जो है पहले ही घर में आ चुके थे। मैंने परवेज को बोली कि परवेज तू आगे चला जा, मैं आती हूँ पीछे। तो यहाँ पर इतने सुकून से बैठे हुए, इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से हम लोग भी ठीक है। तो अभी हो रही है तैयारी गार्डन जाने की, तो सब तैयार हो चुके हैं रेडी, और ये लोग अपना अपना मास्क ले रहे हैं। तो मास्क में थोड़ा सा ऐसा गार्ड मारना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ऐसा। सबका मास्क रेडी है, रुक जा। तो अलीना को लगाएंगे हम थोड़ा सा काजल का टीका, है ना अलीना पापा को। यहाँ पर ये है हमारे पास काजल, और किधर गया वो एयरबड्स, किधर गया अलीना का एक जो था तो इसमें रखा हुआ, ये मिल गया। मिल गया, गंदा हो गया वो। तो अलीना को लगाएंगे काजल, फटाफट चलो रेडी होते हैं, फिर निकलते टाइम आप लोगों को बताते हैं। एवरीवन कैसे आप सब लोग? तो अभी हम लोग आए हैं गार्डन में, मेरे साथ है परवेज और बच्चे लोग जो है उधर खेल रहे हैं। सना आ गए इधर, बात कर भी लो खाना है हमारे साथ। ये भी है, क्या नाम है इसका? दिवाकर। दिवाकर, दिवाकर स्टूडेंट गाइस वेब ब्लॉग देखे रहे तो आप दिवाकर उर्फ क्या? हां जी, ये कुछ भी नाम रखता किसका भी। तो पर भाभी का फोन आ रहा है, असली इनका भी आईफोन आ गया। हां भाई, तो अभी हम लोग शूट करने वाले हैं, थोड़ा सा देखेंगे बच्चे लोग खेलेंगे तो थोड़ा बहुत शूट करेंगे और घूमते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ मत रख, उधर टेबल पे रख। तो उधर देखो सानो और ये सानो है और उधर अलीना है और वो भाभी है। अस्सलाम वालेकुम, देखो पहली बार ही आए। पहली बार है, यहाँ से जा रहा था मैं, मुझे जाना है काम से। कोई नहीं जाना है, तुम यही रुकेंगे? नहीं, क्यों क्यों काम है? कुछ काम नहीं है, मैं झूठ बोल रही है, जा रहे हैं अजहर भाई की दुकान। तो वहाँ क्या काम है तुम्हारा? गाड़ी वॉश करवाना है भाई। तो मैंने बोले जा रहे थे ये, मेरे को फोन करेक्ट ही दे रहे, तो इनको बोली थी मैंने, फिर भी ये भूल गए थे। तो फिर तुमको बोली थी मैंने, मैं गार्डन जा रही हूँ, तो मैंने बोली जा रहे तो रास्ते में पड़ता तो इधर आ जाओ गार्डन में घूमने के दिन। बच्चे कैसी लग रही? मैं बुरा बोले ना तो देखना। बोलो आप लोग बताओ कैसी लग रही? सूरज आ रहा है, अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो रील्स बनाएंगे तो बस, क्योंकि गार्डन हो रहा है बंद है कि नहीं, तो बच्चे लोग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हम लोग गए थे शिला गार्डन तो वहाँ पे भी बंद था और अभी यहाँ पर भी बंद हो रहा है बहुत जल्दी से। चलो बंद हो गया तो हम लोग इधर आ गए फिल्म सिटी। वैसे तो आने का कोई इरादा नहीं था फिल्म सिटी में इधर, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इधर, किस चीज़ की शूटिंग चालू है नहीं है, देखते हैं। बच्चे लोग भी हैं, किधर भी जाना नहीं यार, मेरे से बिना पूछे किधर भी नहीं जाना, ठीक है मेरे साथ ही रहना। तो कुछ सेट वेट बना हुआ लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का सेट है, समझ में तो नहीं आ रहा है, देखेंगे पूछेंगे किसी से। हाय करो, हाय करो। अच्छा भी लग रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को देख के मुझे डर नहीं लग रहा है आज। नहीं तो मुझे डर बहुत लगता है। और सनसेट तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा लग रहा है पीछे साइड से। चलो देखते हैं। ये देखिए सेट जो है बना हुआ है, पता नहीं किस चीज का सेट है। बच्चे लोग देखो बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं माशाल्लाह, इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। फिल्म सिटी में भी काफी अच्छा लगता है इधर पे,
लेकिन मैं तो गई थी गार्डन, गार्डन बंद हो चुका था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे लोग गार्डन से ही यहाँ पर आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आलिया सना क्या खेल रहे तुम लोग? आले सना यहाँ पर इतने सुकून से बैठी हूँ, इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा है मुझे काफी सुकून लग रहा है। और आज कुछ ज्यादा ही पब्लिक है, मुझे लग रहा है सब लोग गार्डन से ही आए हैं। तो बच्चे लोग इधर है खेल रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। अलीना पापा कैसे लग रहे हैं आज सब लोग बताना? अलीना पापा बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। कितने लोग है देखो यहाँ पे, बहुत सारे लोग है आज, बहुत सारे लोग अभी आ भी रहे हैं और बहुत सारे लोग का जो निकाल रहे थे वीडियो हम लोग, तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पर, है कि नहीं? चलने घर पे, अस्सलाम गाइस, मुझे सलाम करना। तो चलो फिर चलने का घर पे, चलो किस बात की देरी। तो आज इसने मेरे साथ बहुत अच्छा रील्स बनाया, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देखना। जो है पहले ही घर में आ चुके थे, मैंने परवेज को बोली कि परवेज तो आगे चला जा, मैं आती हूँ पीछे से। तो मैं वो लोग के लिए लेकर आई हूँ आइसक्रीम, अभी वो लोग को पता नहीं है कि मैं आइसक्रीम लेकर आने वाली आ रही हूँ, तो वो लोग का रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। आ गए तुम लोग, कभी आए? हाँ नहीं तो कौन बोला? तो ये लोग की खुशी देखो, कितना ज्यादा खुश हो गए बच्चे लोग, बहुत ज्यादा खुश हो गए। चलो मैं इसको निकालती हूँ, बच्चे लोग को देती हूँ, ठीक है? तो आइसक्रीम अभी निकालने वाले हैं। तो आज जो है अमेरिकन ड्राई फ्रूट खत्म हो गया था, तो दूसरा वाला लेकर आई मैंने। मम्मा प्लीज मुझे एक बार ये वाली किसको, ये मेरे को चाहिए। अभी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, तो मैंने लिया है मैंगो, मैंने भी मैंगो, सना को मिला है पिस्ता, मैं वो बटर स्कॉच है, ये कौन सा है? पहले क्या हुआ मालूम? पहले मैं पंखा चालू कर देती हूँ। पहले क्या हुआ कि हम लोग गए शीला गार्डन, तो रिक्शा में ही पता चला, रिक्शा में जब हम लोग बैठे थे तभी मालूम पड़ा कि बंद है, तो वही रिक्शा से हम लोग फिर सर्कल के गार्डन चले गए। फिर सर्कल में भी फिर हम लोग थोड़ा देर खेले, बच्चे लोग मतलब थोड़ा देर खेले हम लोग, थोड़ा सा ही वीडियो बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, ये भी आ गए थे, फिर ये चले गए वापस। सर्कल में भी फिर बंद करने का ऑर्डर आ गया कि सर्कल में भी जल्दी से बंद कर दो, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से भी हम लोग निकल गए, फिर रिक्शा में बैठे, फिर रिक्शा से हम लोग फिर सीधा टेकड़ी पे चले गए फिल्म सिटी के, फिर वहाँ से हम लोग अंदर उतरे, फिर वहाँ पर एंजॉय किए, बहुत खेले कूदे, अच्छा लगा, बच्चे लोग भी मस्ती किए, फिर बच्चे लोग का मूड। देखो पता था मेरे को, लगा नहीं पता है तो आइसक्रीम लाए तुम, मैंने बोला आइसक्रीम लाए, तो फिर क्या हुआ वहां पर खेले कूदे। अब हम लोग पहले शीला गार्डन से डायरेक्ट हम लोग हमेशा संतोष नगर जाते हैं, बच्चे लोगों को मैं खिलाती हूँ पानी पूरी वगैरह खिलाती हूँ, खिला पिला के लेकर आती हूँ, मस्त एंजॉय करते हैं हर संडे बच्चे। तो ये मेरा हर संडे को रहता है, आप लोग बोलोगे कि बार बार उठे पड़े चले जाती है गार्डन, तो ऐसा नहीं है, हर संडे बच्चे लोग इंतजार करते हैं कि हर संडे आएगा तो मम्मी कहीं बाहर लेकर जाएंगी, तो ज्यादा दूर मैं जा नहीं सकती हूँ बच्चों लोग को लेकर के, छोटे हैं अभी, इसलिए मैं यहीं पर गार्डन पे लेके जाती हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेते हैं और दिल भी बहल जाता है वो लोग का। तो फिर वहां पर खेले, आप पानी पूरी के लिए रोने लगे, और आने के टाइम पे आइसक्रीम भी खिला देती हूँ पानी पूरी दोनों भी, तो फिर ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर परवेज के साथ बच्चों लोग को मैंने भेज दी आगे, और यहीं से हमारी कॉलोनी से ही मतलब मैंने बच्चे लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आई, तो मुझे अच्छा लगा, तो बच्चे भी खुश हो गए, वरना ये लोग का मुंह ऐसे लटका हुआ रहता है कि नहीं?
तो चलो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं थोड़ी देर से आदि में तो ना मुझे पता चला कि तुम आइसक्रीम लाने गई थी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी मसाले वाली। तो हमेशा की तरह जैसे मैं बनाती हूँ उस टाइप से नहीं, आज थोड़ा कुछ यूनिक टाइप से बना रही हूँ मैं, अलग तरीके से। तो मसाला वगैरह पहले ही मैंने मिला ली थी घर पे जाने से, बाहर जाने से पहले मसाला चिकन में पूरा मिला के रखा हुआ था। सारी तैयारी करके मैं चली गई थी कि आने के बाद मैं फटाफट बना के ख़त्म कर दूंगी, फटाफट बना लूंगी ताकि कोई ज़्यादा झंझट ना हो। कचुम्बर भी बना के गई थी और दोपहर में हम लोग ने बनाए थे बस खिचड़ी ऐसे ही। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी व्लॉग के साथ रेसिपी लेकर आऊँ आने वाले व्लॉग्स में। मुझे पता है कि आप लोगों को सिर्फ रेसिपी वाले व्लॉग अच्छे नहीं लग रहे, तो आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि आप रेसिपी के साथ साथ व्लॉग भी शेयर करो, आप सिर्फ रेसिपी शेयर मत करो। तो इंशाल्लाह इसीलिए मैं अब व्लॉग बना रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि दोनों एक साथ में मतलब मैं बना पाऊँ रेसिपी विद व्लॉग। तो चलो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना अगर अभी तक नहीं किया, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।